पुणे तहसील के सावंगी में ब्रह्मलीन पंडित भैया जी महाराज का 113वां जन्मोत्सव और 59वां प्रार्थना महोत्सव समारोह हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सावंगी स्थित श्रीताज आनंदम श्रम में ब्रह्मलीन परम पूज्य भैया जी महाराज का जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यात्म पर प्रार्थना स्रोत पर श्री एकनाथ जी गोलकर महाराज इनका प्रवचन का आयोजन किया गया। सूफी संत बाबा ताजुद्दीन औलिया, शफी बाबा संत गाड़गे महाराज, अनुसुईया माता आदि की उपस्थिति से पावन ताज आश्रम सावंगी में मकर संक्रांति के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेले में नागपुर छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ संपूर्ण विदर्भ से भक्तों का तांता लगा रहता है। संपूर्ण गाँव को मेले का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। आश्रम में आने वाले सभी भक्तों की खान पान व निवास व महाप्रसाद की व्यवस्था शालिनी बुधोलिया और आश्रम की अध्यक्षा रुशाली निर्मल मुद्गल के मार्गदर्शन में मेला समिति द्वारा किया गया। यह पहला अवसर था जब ब्रह्मलीन भैया जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और ताज आनंदा आश्रम के संस्थापक दामोदर उपाख्याय बाबा साहेब बुधोलिया की अनुपस्थिति में स्वर्गीय बाबा साहेब बुधोलिया की भारिया शालिनी ताई दामोदर बुधोलिया, संस्था की अध्यक्षा रुशाली मुद्गल, संस्था के विश्वस्त निर्मल मुद्गल, सोमकांत बंदे, मोनाली बंदे आदि पर इस भव्य मेले को सफल बनाने की जवाबदारी थी, लेकिन दादाजी महाराज में आशीर्वाद से यह भव्य आयोजन सफल हुआ। इस अवसर पर आलमदी के वरिष्ठ प्रवचनकार हबप्पा एकनाथ गोलकर महाराज के मुख्य वाणी से भैया जी महाराज द्वारा रचित प्रार्थना स्रोत पर प्रवचन का हजारों अनुयायियों ने लाभ लेकर अपना जीवन सार्थक बनाने की प्रेरणा पाई। वहीं इस आयोजन में दूर दराज से पहुंचे अनुयायी व भक्तगणों के लिए भव्य महाप्रसाद का आयोजन ताज आनंदाश्रम द्वारा किया गया। इस भव्य यात्रा का आयोजन सावनी थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन और API निशांत फुलेकर के नेतृत्व में चौक पुलिस बंदोबस्त तो वहीं राम गणेश गडकरी महाविद्यालय के NSS के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने अपनी सेवाएं देकर आयोजनों को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस 3 दिवसीय भव्य आयोजन के सफलतार्थ ताज आनंदाश्रम के समर दंडे, प्रणाली दंडे, पवन जामदार, रूपाली जामदार आदि ने परिश्रम लिया। इस अवसर पर धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्यरत मनुभाव और पत्रकार भाइयों का शॉल श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। NBC News के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।